दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। आज मैं उसी से जुड़ी दुनिया के देशों के अजीबोगरीब अंधविश्वास के बारे में बताने वाला हूं, और इसके पीछे का कारण भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ब्रिटेन में बहुत लोग जूतों को टेबल पर रखना अशुभ मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ माना जाता है कि ऐसा करने से अपने किसी चाहने वाले की मौत हो जाती है। पुराने समय में ब्रिटेन में जब किसी की मौत हो जाती थी या मौत की खबर देनी होती थी तो उसका जूता टेबल पर रख देते थे। रशियन लोगों को लगता है कि अगर कोई चिड़िया आपके ऊपर या आपके किसी चीज़ के ऊपर बीट कर देती है तो इसका मतलब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, अब अगली बार से पेड़ के नीचे बैठना मत भूलना। फिलीपींस में लोग बारिश के मौसम में बाहर घूमना तो पसंद करते हैं, पर लाल कपड़े पहनकर नहीं, क्योंकि वहां माना जाता है कि लाल रंग आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचता है। क्या आप कभी डिनर टेबल पर खाना खाते समय गाना गाते हैं? यदि हाँ, तो आप भूतों को अपने खाने पर निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा अंधविश्वास नीदरलैंड में है। आपने दो शीशों को आमने सामने रखा हुआ बहुत जगह देखा होगा, पर मैक्सिको में लोग दो शीशे कभी आमने सामने नहीं रखते। मैक्सिको के लोगों को लगता है कि ऐसा करने से शैतान का आने का रास्ता खुलता है। जर्मन अंधविश्वास के अनुसार, यदि आप पानी से चेयर्स करते हैं शराब पीते समय, तो आप वास्तव में उन लोगों की मृत्यु की कामना कर रहे हैं जिनके साथ आप शराब पी रहे हैं। यह विचार ग्रीक पौराणिक कथाओं से मिला है। कुत्ते के मल में कदम रखना फ्रांस में लक माना जाता है यदि आप इसे बाएं पैर से करते हैं, और अगर आप दाहिने पैर से करते हैं तो यह केवल दुर्भाग्य है। रशिया के लोग किसी व्यक्ति के जन्मदिन से एक दिन पहले उसको विश नहीं करते। इससे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उस व्यक्ति को एक दिन पहले विश करेंगे तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आएगा। पुर्तगाल में पीछे की तरफ चलना बुरा माना जाता है। ऐसा करने पर माना जाता है कि आप शैतान को बता रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आयरलैंड में दुल्हन अपनी शादी के समय अपने कपड़ों में घंटी लगाती हैं। ऐसा वो बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए करते हैं जो उनकी शादी तोड़ना चाहते हैं। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।